Hello everyone, today we are going to start another essay. It's an important essay, most important essay for CA final students. Essay 710. The standard deals with comparative information. द स्टैंडर्ड्स डील विद कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन. गाइस, इस स्टैंडर्ड को समझने से पहले हमारे को कुछ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी. जैसा कि हम पिछले एसेस में करते आए थे, पहले हम अपना राइटअप कम्प्लीट करते थे, उसके बाद समझते थे. लेकिन गाइस, इस स्टैंडर्ड में अगर मैं राइटअप स्टार्ट कर दूंगा तो लिटरली आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और कई स्टूडेंट्स को इस एसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है. सो गाइस, ध्यान से देखते हैं. इस ऐसे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स या हम कहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस पर्टिकुलर एसेज आर टू टर्म्स. कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फिगर्स. सो गाइस, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता लगता. गाइस, होता है ना गाइस, दिल पर हाथ रख के बताना, होता है ना इसमें डिफरेंस नहीं पता लगता ना. तो आज एक बार देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वट इज़ द यू नो टू द पॉइंट डिफरेंस, बिल्कुल एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है. सो देखते हैं गाइस. तो बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स की. तो इसमें वो बोलता है दीज फिगर्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फिर यहाँ पर देखते हैं कंपैरेटिव फिगर्स में. हेयर द एसे आवर एसे सेज दैट दीज फिगर्स आर द कंपैरेटिव फिगर्स. These figures are the comparative figures. ठीक है guys, ये बोलता है ये comparative figures है. अब हम इनको diagrammatically समझेंगे. सपोज गाइस, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये शेड्यूल थ्री के हिसाब से नहीं बनी है. अपने जो हम अपना जो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते थे टी शेप वाला, उसके अकॉर्डिंग ये बैलेंस शीट हमने बनाई. और इसमें हम लिखते, यहाँ पर होता है एसेट्स, यहाँ पर होता है लाइबिलिटीज, और यहाँ पर होता है करेंट ईयर, यहाँ पर होता है प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर. ऐसी होता है ना गाइस, जो हम नॉर्मल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी, उनमें हम पहले तो जैसे एसेट्स लिखा, उसके साथ करेंट ईयर्स की फिगर्स लिखते हैं, और साथ के साथ हम प्रीवियस ईयर की फिगर्स लिखते हैं. तो गाइस, जो हम जो पर्टिकुलर बैलेंस शीट है, उस पर्टिकुलर बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर्स के फिगर्स जो हैं वो हमने इंक्लूड कर दिए. दीज आर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ अवर करेंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रल? इंटीग्रल मीन्स अंदर, उसके अंदर का पार्ट है गाइस. सो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स सेज दैट द इंफॉर्मेशन that the amounts, that the comparative information of the previous years have to be included in the current period financial statements as an integral part of the current period financial statement, not an isolated one. Guys, please remark my words. I am saying that corresponding figures are integral part, not an isolated one. Not an isolated, alag alag nahi hota, it's an integral part. Phir yahan par dekhte hain. ये हमारा अभी जो प्रेजेंट में जो चलता है, जो अभी जो
वी कैन से दैट FRF जो अभी हमारे ऊपर एप्लीकेबल है उसमें जो प्रेजेंटेशन हम करते हैं वो ऐसे करते हैं, मतलब कि टेबुलर फॉर्म में नहीं, टी फॉर्म में नहीं करते हमारा वो ऐसा शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दिया उसमें करते हैं, लेकिन करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की फिगर साथ साथ दिखाते हैं, यानी कि ये वाला फॉर्मेट हमारा हम अभी अप्लाई कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसको देखते हैं ये क्या बोलता है। यहाँ पर गाइस क्या होता है, ये हमारा करेंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर। यहाँ पर करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर्स आर नॉट एन इंटीग्रल पार्ट। अगर हम इंटीग्रल इसको उठा के, इसको उठा कर मैं अगर इसमें डाल दूँ, इसको उठा कर अगर मैं इसमें डाल दूँ, तो हम इस वाले केस में आ जाएंगे, इस वाले केस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये अलग अलग होता है और यहाँ पर दोनों इंटीग्रल पार्ट होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको एग्जाम्पल के लिए, ऐसे ये वर्ड यूज़ नहीं करता, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं आइसोलेटेड, ये आइसोलेटेड होता है गाइस। ठीक है गाइस, तो हमने बहुत ही अभी जो क्रिटिकल इस ऐसे में जो क्रिटिकल पॉइंट था वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बार राइटअप के ऊपर हम ध्यान देंगे, तो स्टे ट्यून गाइस, बहुत अच्छे से करने वाले हैं हम इस स्टैंडर्ड को, और स्टैंडर्ड्स पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो गाइस ध्यान से देखते रहेंगे इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एंड इट्स टाइप्स। तो देखते हैं गाइस, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मीन्स, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मीन्स द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच रिलेट्स टू वन और मोर प्रायर पीरियड, विच रिलेट्स टू वन और मोर प्रायर पीरियड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। नाउ मूविंग ऑन टू टाइप्स of comparative information। Point number one, type one, corresponding figures, type two, comparative। तो देखेंगे गाइस, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वेयर अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वेयर अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स आर इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट
ऑफ द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है गाइस, नाउ मूविंग ऑन टू कंपैरेटिव्स। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वेयर अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ प्रायर पीरियड्स of prior periods are included for comparison with financial statement। तो गाइस यहाँ पर हमने टाइप्स देखा और बहुत ही सिंपल वे में देखा हमने इसको। एक बार फिर राइटअप कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर अंडरस्टैंडिंग लेंगे, सो डोंट वरी गाइस। क्वेश्चन नंबर वन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू सेज दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर इन दिस पर्टिकुलर एसे। तो देखते हैं गाइस, ऑब्जेक्टिव में नंबर वन पॉइंट टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस with regard to the comparative financial information that whether it's been included as per the requirements of applicable FRF। So guys यहाँ पर second question का first point हमने cover करा। Now moving on to second point. Second point says to report in accordance with the auditor's reporting responsibility। सो दो क्वेश्चन यहाँ पे हमने ख़त्म करे। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री इज अ क्वाइट लेंथी क्वेश्चन, सॉरी आंसर क्वाइट लेंथी। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस हर स्टैंडर्ड में मेरे ख्याल से हम ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर करते हुए आ रहे हैं। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स। तो देखते हैं, द ऑडिटर shall obtain sufficient and appropriate evidence that the corresponding figures meet the requirement of applicable FRF। ऑडिटर शुड परफॉर्म
ऑडिटर शुड परफॉर्म लिमिटेड प्रोसीजर्स, ऑडिटर शुड परफॉर्म लिमिटेड प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कोरस, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ corresponding figures as compared to current period. Auditor should perform limited procedures in respect of corresponding figures as compared to current period financial statements. Question arises, why? क्यों कम प्रोसीजर्स लगाता है? बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स इंटेंडेड टू बी रीड एज करेंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अभी बाद में समझेंगे गाइस, तो बिल्कुल भी वरी होने की बात नहीं है. फिर वो बोलता है आगे, ऑडिटर शुड कंफर्म, ऑडिटर शुड असेस वेदर द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स are correctly brought forward correctly reported and classified. ठीक है guys, auditor should assess whether the corresponding figures are correctly reported and classified. For this, he examine that whether the corresponding figures are consistent with those of prior period figures, whether the entity is following same accounting policies. If change, then prior period adjustment. ठीक है guys, मैंने पहले ही बोला था काफ़ी लेंथी आंसर होगा ये. नाउ ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था. नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर टू. पॉइंट नंबर टू सेज, इफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड by another auditor, then the incoming auditor should ensure its reliability. Third point is, if the prior period
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट ऑडिटेड, द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट ऑडिटेड, देन नॉनथलेस इंस्टेड ऑफ he should ensure its reliability. ठीक है गाइस, द लास्ट पॉइंट इज इफ द ऑडिटर बिकम अवेयर If the auditor become aware of any misstatement while during performance of current period financial statements in with respect to the prior period, then perform additional procedures, as appropriate. इसी के साथ गाइस हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड. इट्स ऑल्सो बीन ए क्वाइट लेंथी वन गाइस. आईपीसीसी स्टूडेंट्स गाइस, इतना डिटेल में आप इस स्टैंडर्ड्स को मत पढ़िएगा गाइस, आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट ऐसे नहीं है. सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए इट्स अ वेरी 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 इम्पोर्टेंट ऐसे. सो गाइस प्लीज़, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी. जितना कंटेंट हम लिख रहे हैं ये कंसाइज वे में लिख रहे हैं, तो अब इसकी रिपोर्टिंग के ऊपर बात करेंगे. रिपोर्टिंग में हमें वो बोलता है गाइस, व्हेन द कंपैरेटिव्स आर प्रेजेंटेड एज कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स देन द ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट specifically indicate such figures as they intended as they sorry isko guys when the comparatives are presented as corresponding figures, then the audit report should not specifically indicate such figures because the auditor opinion is on current period financial statement as whole including the corresponding figures. Now the most important points are coming. Point number one, if the audit report of previous year includes any qualification or EOM and OM para if the audit report of previous year includes any qualification or modification. Guys, EOM or OM para ki baat nahi karenge. If the audit report of previous year includes any qualification or modification, then
केस वन द मैटर विच गिव्स राइज टू मॉडिफिकेशन द मैटर विच गिव्स राइज टू मॉडिफिकेशन इज स्टिल अनरिजॉल्व्ड एंड ऑल्सो इट्स इफेक्ट द करेंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देन द ऑडिटर should issue modification in prior period modification with respect to corresponding figures also. अभी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा गाइस, यहाँ पर बहुत ही टिपिकल स्टैंडर्ड हो जाता है ये। अभी आप सिर्फ देखते रहिए, कुछ ही मिनटों में ख़त्म होने वाला है, उसके बाद देखेंगे। द मैटर अनरिजॉल्व्ड बट नॉट अफेक्ट करेंट पीरियड बट नॉट अफेक्ट current period financial statements, then auditors should modify his audit report only in respect of corresponding figures. तो यहाँ पर ये रिपोर्टिंग के पॉइंट गाइस हमने कंप्लीट करे। एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, उसको भी यहीं पर कवर करने की कोशिश करते हैं। क्या बोलता है, इन केस ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड। अच्छा गाइस, इस पॉइंट को हम कवर कर चुके हैं, सॉरी मैं भूल गया था, इस पॉइंट को हमने पिछली स्लाइड्स में कवर कर चुके हैं। सो गाइस, इसी के साथ हमारा ये स्टैंडर्ड कंप्लीट होता है। तो एक बार फटाफट से इसको एक बार गो थ्रू करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में गाइस हमने इन दोनों का मतलब समझा था, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स का, कंपैरेटिव फिगर्स का। इसको पिक्चर को ध्यान में रखिएगा माइंड में, आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा। फिर सेकेंड स्लाइड में गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो समझा था उसी को एक बार राइटअप उसका राइटिंग में लिखा था उसको, तो इसमें कोई खास बात नहीं थी। कंपैरेटिव कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में उसने लिखा था, मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे मार्क करना चाहूँगा, इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल, यहाँ पर इंटीग्रल की बात करी थी। फिर यहाँ पर हमने लिखा था कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन वेर अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ प्रायर पीरियड इंक्लूडेड फॉर कंपेरिजन, इंक्लूडेड फॉर कंपेरिजन, यानी कि दो बनते थे गाइस, ये अलग अलग बनते थे दोनों, है ना, और यहाँ पर एक ही बनता था, एक ही में दोनों होता था कंबाइंड, ठीक है। तो सेकंड में क्वेश्चन में हमने देखा ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिटर का, ऑब्जेक्टिव गाइस हर जहां भी ऑब्जेक्टिव आए ना वहां भी आप ये पहली लाइन सेम रखना गाइस, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। फिर उसके आगे कहानी शुरू होगी कि किसके लिए ऑडिट एविडेंस, फिर आप कहानी लिखेंगे कि जो पर्टिकुलर एसे चल रहा होगा उसके लिए ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। तो इस केस में वो कंपैरेटिव जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। फिर सेकंड पॉइंट में लिखा था जो रिपोर्टिंग के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखेगा। फिर हमने थर्ड स्लाइड में देखा गाइस रिपोर्टिंग कैसे होती है, कि अगर जो हमारी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं, जो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है वो एज ए कॉरेस्पॉन्डिंग हमने यूज़ करी है, तो क्या ऑडिटर दो दो रिपोर्ट देगा? क्या ऑडिटर करेंट पीरियड के लिए और कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स के लिए सेपरेट रिपोर्ट देगा
सेपरेट रिपोर्ट देगा गाइस या नहीं? आंसर इज नहीं, वो एक ही रिपोर्ट देगा, सिंगल रिपोर्ट, एक ही रिपोर्ट देगा, सिंगल रिपोर्ट। तो गाइस सिंगल रिपोर्ट में वो उसके बाद वो कहता है कि जो प्रायर पीरियड में जो प्रीवियस ईयर की जो ऑडिट रिपोर्ट थी जो हमने इशू करी थी या फिर किसी और ऑडिटर ने इशू करी थी, तो उसमें क्या था, कुछ मॉडिफिकेशन थी, उसने जो है क्वालिफिकेशन डाली हुई थी रिपोर्ट में। तो अब क्या करना होगा, जो वो क्वालिफिकेशन है उसको अभी तक मैनेजमेंट ने ठीक नहीं करा ना ही उसका, और उसका जो इफ़ेक्ट है अभी भी उसमें जो हमारी करेंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। तो अब ऑडिटर क्या करेगा गाइस, ऑडिटर क्या करेगा जब इफ़ेक्ट आ रहा है, तो ऑडिटर करेंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी मॉडिफाई ओपिनियन देगा और साथ में साथ अपनी रिपोर्ट में करेगा, अपनी रिपोर्ट में क्या कहेगा कि आप जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स हैं वो बस लाइन लिखेगा गाइस, जो अपनी रिपोर्ट में एक पर्टिकुलर रिपोर्ट में एक लाइन लिखेगा कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के लिए भी कि दीज आर ऑल्सो यू नो मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन, और प्रायर पीरियड रिपोर्ट का रेफर भी कर सकता है वहाँ पे। रिपोर्ट एक ही होगी लेकिन उसमें वो पहले तो अपनी करेंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मॉडिफाई करेगा और फिर जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स हैं उनके लिए भी वो मॉडिफाई करेगा। तो ये फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड केस में वो बताता है कि जो प्रायर पीरियड में जो मॉडिफिकेशन थी, ठीक है मॉडिफिकेशन तो अभी भी अनरिजॉल्व है, लेकिन वो ऐसी मॉडिफिकेशन है कि जिसका इफ़ेक्ट करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर नहीं हो रहा है। जो इफ़ेक्ट अगर नहीं हो रहा है तो ऑडिटर क्या करेगा, जो मॉडिफिकेशन जो लाइनें लिखेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सिर्फ वो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के लिए लिखेगा, करंट पीरियड की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो उसका जो स्टेटस है वो ट्रू एंड फेयर दिखाएगा और सिर्फ एक लाइन लिख देगा कि कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स जो हैं वो गलत, वो मतलब कि जो मॉडिफिकेशन है उसके बारे में दो तीन लाइनें लिख देगा रिपोर्ट में अपनी में। फिर उसके बाद गाइस उसके बाद क्या होगा, तो ये वाला पॉइंट हमने हम पहले ही कवर कर चुके थे। तो गाइस इसी के साथ हमारा स्टैंडर्ड ये वाला कंप्लीट होता है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, थैंक यू।